एक्टर रणवीर सिंह ने रायन रेनॉल्ड्स की फिल्म डेडपूल 2 के हिंदी वर्जन के लिए की है डबिंग और मंडे इवनिंग रणवीर ने होस्ट की इस फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, जहां इस ओकेजन के लिए रणवीर ने चूज किया ऑल व्हाइट लुक विद रेड स्नीकर्स एंड सनग्लासेस। वहीं स्क्रीनिंग के दौरान जब रणवीर मीडिया के लिए पोज करने पहुंचे तो एज यूजुअल रणवीर दिखे चीयरफुल मूड में। 71st एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद कंगना रनौत इंडिया लौट आई हैं और जब कंगना मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो जूम से कंगना ने की एक्सक्लूसिवली बात और शेयर किया कि कैसा रहा इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने का उनका एक्सपीरियंस। कंगना, हुमा कुरेशी, दीपिका पादुकोण एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनम कपूर लुक एट कांस गोइंग टू बी अ हाईलाइट। ये फिल्म फेस्टिवल मई 19 को खत्म होगा। वेल एयरपोर्ट के बाद कंगना रनौत को किया गया स्पॉट एक होम डेकोर मैगजीन के नए इशू के लॉन्च पर। ये वही मैगजीन है जिसने हाल ही में कंगना और उनके न्यू मैंशन का स्पेशल फोटोशूट किया था। इस इवेंट पर कंगना ने मीडिया से बात नहीं की पर उनकी ब्राइट येलो ड्रेस ने ग्रैब की सबकी अटेंशन। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन और डॉटर आराध्या बच्चन भी कांस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के बाद मुंबई लौट आए हैं। अब ऐश्वर्या अपनी म्यूजिकल ड्रामा फने खान के प्रमोशंस में हो जाएंगी बिजी। वेल ऐश्वर्या और कंगना के साथ ही सनी लियोनी को भी किया गया स्पॉट उनकी फैमिली के साथ। सनी और डैनियल वेबर डॉटर निशा को अडॉप्ट करने के बाद सरोगेसी के थ्रू ट्विंस एशर एंड नोआ के पेरेंट्स बने थे और ये पूरी फैमिली की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। और सुपरस्टार सलमान खान जिनकी मच अवेटेड फिल्म रेस 3 का ट्रेलर हो गया है रिलीज, इस ट्रेलर लॉन्च से पहले लेट नाइट प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से मीटिंग करने पहुंचे। इस मीटिंग के बाद दोनों प्रोड्यूसर्स को बांद्रा ऑफिस में किया गया स्पॉट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।